यह साधारण लड़ाई नहीं है। एक ऐसा शत्रु जो पूरी मानवता के खिलाफ खतरा है, अप्रत्याशित रूप से संक्रमण बढ़ा है, महामारी इतनी तेज गति से फैली के व्यवस्थाएं छोटी पड़ गई, लेकिन हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। आप सबके सहयोग से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है हम जल्दी ये लड़ाई जीतेंगे। आशा की किरणें दिखाई दे रही है। आज मध्य प्रदेश में यह स्थिति है कि एक्टिव केस में हम कुछ दिन पहले सातवें नंबर पर हुआ करते थे देश में, अब लगातार घटते घटते हम तेरहवें नंबर पे आ गए। प्रदेश का जो पॉजिटिविटी रेट था वो 25% के ऊपर निकल गया था, अब घटकर लगभग 21% तक आ गया है। तेजी से लोग ठीक हो रहे हैं। आज ही 13,584 लोग कोरोना मुक्त होकर, निगेटिव होकर पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं, डिस्चार्ज हुए हैं। पहले पॉजिटिव केस बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे, दो दो तीन तीन हजार केस भी रोज बढ़े, ऐसे दिन भी हमने देखे, लेकिन अब स्थिति यह है कि आज पॉजिटिव केस आए हैं 12,400, तो ठीक होके गए 13,584। लगातार तीसरे दिन पॉजिटिव केस की संख्या से डिस्चार्ज होने वालों की संख्या बढ़ी है और पॉजिटिव केस की संख्या लगातार घटती जा रही है। एक दिन में जो रिकवरी रेट है, पहले 23 अप्रैल को 80% मतलब 100 में से 80 स्वस्थ होते थे, अब वो बढ़ के लगभग 83% के आसपास आ गए हैं और ये सब आप सबके सहयोग से हुआ है। देखो, कोरोना को हराना है तो एक ही तरीका है, कोरोना से लड़ाई घर के बाहर निकल के नहीं हो सकती, कोरोना से युद्ध घर के अंदर बैठ के जीता जा सकता है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कोरोना को हराने का एक ही तरीका है, संक्रमण की चैन तोड़ना, और चैन तोड़ने का मतलब है मिलना जुलना बंद करना, आयोजन बंद करना, भीड़ इकट्ठी ना होना, और कोई उपाय भी नहीं है दुनिया में। और इसलिए शत्रु से युद्ध के लिए, अपनी जनता को बचाने के लिए, आप सबकी सुरक्षा के लिए हमने तय किया, जनता ने तय किया कि कोरोना कर्फ्यू लगेगा, जान है तो बाद में व्यापार को फिर हम कर लेंगे। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका सहयोग मिला, कोरोना कर्फ्यू लगा और उसके कारण संक्रमण की चेन टूट रही है। इसलिए अब पॉजिटिव केस की संख्या लगातार घटते क्रम में है, हम लगातार प्रयास करेंगे कि हमारे यहां संक्रमण आप किसी भी कीमत पर ना बढ़े, अपनी जनता को सुरक्षित रख पाए। एक तरफ संक्रमण की चेन तोड़ना, सोचो अगर ये पॉजिटिव केस लगातार बढ़ते रहते तो क्या हम इतनी व्यवस्थाएं बना पाते, अस्पताल में जगह, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन, मैं दिनों रात इनकी आपूर्ति के काम में लगाऊं।
ऑक्सीजन लाने के लिए हवाई जहाज से टैंकर बाहर भेज रहे हैं, रेलों में लाद लाद के भी टैंकर ला रहे हैं, दवाई हो अस्पताल हो बिस्तर बढ़ाने की लगातार कोशिश जारी है, समाज के सहयोग से कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे, इलाज के हर स्तर पर प्रयास जारी है, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जब तक सांस है तब तक लड़ेंगे। लेकिन इसके साथ जरूरी था कि हम कोरोना के पेशेंट बढ़ने ना दें, और वो हुआ कोरोना कर्फ्यू के कारण, बढ़त रुक गई, घटना चालू हो गई, और इस गति से हम घटते रहे तो कुछ दिनों में स्थिति सामान्य हो जाएगी, फिर से बिजनेस व्यापार चलेगा, काम धंधा चलेगा, फिर तब तक रुकना जरूरी था, पर आप रुके इसलिए आपको धन्यवाद, क्योंकि तो हमें बचना है और अपनों को बचाना है। मैं जानता हूं कि जब कोरोना कर्फ्यू जैसी व्यवस्था करते हैं तो गरीब भाई बहनों को तकलीफ होती है, छोटे छोटे व्यवसायियों को तकलीफ होती है, लेकिन एक तकलीफ कुछ दिन की है, कुछ दिन में परेशानी दूर हो जाएगी। हमने कई व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश की, एक हमने तय किया कि 3 महीने तक निःशुल्क राशन गरीबों को दिया जाएगा, 3 महीने तक निःशुल्क राशन, वो मध्य प्रदेश सरकार देगी, हम देंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने फिर तय किया कि 2 महीने का केंद्र सरकार देगी, तो अब 2 महीना तो मई और जून एक परिवार के एक सदस्य को 10 किलो महीना अनाज मिलेगा निःशुल्क, गरीब की थाली खाली ना रहे इसकी व्यवस्था होना जरूरी है। फिर हमने सोचा कि एक उपाय और करें कि तत्काल कम से कम 1,000 रुपया तो अकाउंट में डाल दें ताकि छोटा मोटा काम चल जाए, इसलिए आज 6,10,000 से ज्यादा हमारे पथ व्यवसायियों के खाते में लगभग 61 करोड़ रुपए की राशि हमने डाली है। इसको भी भीड़ के रूप में इकट्ठे निकलवाने मत जाना, संक्रमण का खतरा है, बाहर निकलना नहीं है एक चीज तो, बहुत ज्यादा जरूरत हो तो ऐसा जाना है कि भीड़ ना लगे, संक्रमण ना फैले। एक, संक्रमण की चेन ना बने। दूसरे, आपके माध्यम से एक अपील और करना चाहता हूं, आप बाकी सबको भी बताना, सर्दी बुखार जुकाम खांसी अगर ये हो तो भैया बिल्कुल छुपाना मत, तुरंत टेस्ट करवाना। कोरोना ऐसी बीमारी नहीं है कि सावधानी रखो तो जान ले ले, लेकिन मुझे तो क्या कई लोग बताते नहीं, छुपाते रहते कई दिनों तक, या ये समझते कि सर्दी खांसी है मेरा क्या बिगड़ेगा, और ऐसे में ये खतरनाक हो जाता है, ये सीने में फेफड़ों में उतर जाता है, ये जानलेवा तब बनता जब ये फेफड़ों में घुस जाता है। और इसलिए हमारे मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी भी बैठे, आपको जरा लगे तो आपके नगरीय प्रशासन को तुरंत बताइए कि हमारे मोहल्ले में सर्दी जुकाम खांसी बुखार दस्त के कोई पेशेंट है, हम तुरंत जांच करवाएंगे, घर घर टीम भेज देंगे, और उसमें जरा भी कुछ निकला है तो दवाइयों की किट दे देंगे, टेस्ट रिपोर्ट आने के पहले ही दवाई खाना चालू, अगर वो हमने कर लिया तो कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए कृपया करके छुपाना, कोई ना छुपाए। कई बार घर में रहते हैं 5 दिन 8 दिन 9 दिन और जब फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं तब अस्पताल आते हैं, तब हमारे पास करने को कुछ बचता नहीं है। और इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सबसे कहना जो जो मुझे सुन रहा है वो भी,
कि छुपाना तो है ही नहीं, अगर है तो तुरंत बता दे, नगर पालिका को खबर कर दे, हम तुरंत घर टीम भेजेंगे, सर्वे करवा लेंगे और किट दे देंगे। अच्छा, सबका अस्पताल आना भी जरूरी नहीं है, अगर सामान्य है तो दवाई का किट फिर डॉक्टर की देखरेख में घर भी खाया जा सकता है, पॉजिटिव भी निकल जाए तो होम आइसोलेशन कर सकते हैं, वहां डॉक्टर दो बार बात करेंगे और आपको बताएंगे दवाइयां कौन सी दवाइयां फ्री में आपको दी जाएंगी। होम आइसोलेशन में भी ठीक से देखरेख करने की कोशिश हो। तो मेरा निवेदन यही है कि ऐसा रोटी देने भी खुद नहीं जाना है, और घर में जगह ना तो कोविड केयर सेंटर में रखना है, जो हर ब्लॉक स्तर पर हमने बनाने की कोशिश की है। मेरे प्रिय बहन और भाइयों, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, इसमें आपका सहयोग चाहिए। और आपसे यही प्रार्थना है कि जब तक कोरोना कर्फ्यू मत निकलिए घर से, परिवार में भी सावधानी से रखिए रहिए, मेहमान भी मत बुलाइए, इस समय दूर से ही नमस्ते ठीक है, फोन पर बात कर लीजिए, शादी विवाह भी रोक दें कुछ दिन, और नहीं तो शादियों में पता चला कब भीड़ आई तो पूरे रिश्तेदारी संक्रमित हो गए सब। अब ऐसी शादी जो सबको संकट में डाल दे किस काम की बताओ, तो ऐसी शादी भी टाल देनी चाहिए, और बहुत जरूरी अगर हो तो पांच लोग मिलकर कर दो, दूल्हा दुल्हन अपने फेरा ले ले और अपनी नई जिंदगी शुरू करें, जब ये कोरोना खत्म हो जाएगा तब बड़ी पार्टी दे देना। आप सबके सहयोग की जरूरत है मेरे भाइयों और बहनों, इस कोरोना को खत्म करने के लिए आपसे मिलके हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीतेंगे, और जब तक आप संकट में इस तरह की व्यवस्थाएं आपकी बनाते रहेंगे, और चिंता मत करना, जब ये संक्रमण कम होगा, बाजार खुलेंगे, दुकानें लगेंगी, रोजगार बढ़ेगा, उस समय भी जिस सहयोग की जरूरत होगी हम करेंगे। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि इस लड़ाई में हम सब मिलकर लड़ेंगे, अकेले नहीं, मिलकर सब एक हो जाए, इस समय कोई भेदभाव नहीं, जनता एक, कोरोना से लड़ने के लिए, और ये सब गाइडलाइन का पालन करें, घर में रहेंगे, दूरी बनाएंगे, मास्क लगाएंगे, और जरा भी गले में खराश सर्दी बुखार हो तो तुरंत खबर करेंगे ताकि हमारा इलाज हो सके। मुझे पूरा विश्वास है हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।